सफेद शेर और सेबर टूथ टाइगर। जंगल का राजा शेर बहुत ही सफेद और अनोखा था। जंगल के सारे जानवर अपने राजा शेर को देखकर गर्व महसूस करते थे। शेर बहुत ही ताकतवर और दयालु था। वो अपनी प्रजा का बहुत ही ख्याल रखता था। एक दिन पास के जंगल से एक लकड़बग्गा जंगल में आता है। लकड़बग्गे की नज़र जंगल में घास चर रही हिरण पर पड़ती है, जो कि गर्भवती थी। लकड़बग्गा उसे देखकर अपने मन में सोचता है, अरे वाह हिरण, इसे खाकर तो बड़ा मजा आएगा। ये सोचकर लकड़बग्गा हिरण का शिकार करने ही वाला था कि हिरण वहां से भागने लगती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। हिरण गर्भवती होने के कारण ज्यादा दूर भाग नहीं पाती, वो थक कर गिर जाती है। ये देख लकड़बग्गा हंसते हुए कहता है, मुझसे बचकर कहां तक भागोगी, आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। देखो मैं गर्भवती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। अरे वाह, ये तो 1+1 ऑफर हो गया, अब तो बड़ा ही मजा आएगा तुम्हें खाने में। हिरण के लाख गिड़गिड़ाने पर भी लकड़बग्गा हिरण की एक नहीं सुनता। वो हिरण पर हमला करने ही वाला था कि तभी सफेद शेर वहां आ जाता है और लकड़बग्गे पर हमला कर देता है। लकड़बग्गा सफेद शेर के हमले से डर जाता है और वहां से भाग जाता है। हिरण सफेद शेर का धन्यवाद करती है। महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी और मेरे बच्चे की जान बचाई। आपने एक राजा होने का कर्तव्य निभाया है, मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगी। एक राजा होने के नाते ये मेरा कर्तव्य था कि मैं अपने प्रजा की रक्षा करूं। ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना। ये कहकर सफेद शेर वहां से चला जाता है। जंगल में दिन ऐसे ही आराम से गुजर रहे थे कि एक दिन दूर किसी जंगल से सेबर दांत बाघ वहां आता है। वो दिखने में बहुत ही भयानक था। उसके दो बड़े बड़े दांत थे। सेबर टूथ बाघ जंगल में आते ही जंगल में आतंक मचा देता है। वो चुपके से जंगल के जानवरों का शिकार करने लगता है। जंगल के सारे जानवर इस अनजान दुश्मन को लेकर बहुत परेशान थे। सारे जानवर एक जगह इकट्ठा होते हैं। तब लोमड़ी कहती है, अरे ये कौन अनजान दुश्मन है जो हमारी दोस्तों का यूं शिकार कर रहा है। हाँ, अब तो भोजन ढूंढना भी मुश्किल हो गया है, क्या पता कहाँ से वो अनजान दुश्मन हम पर हमला कर दे। अरे पर हम ऐसे डरते डरते कब तक रहेंगे, चलो चलकर महाराज को बताते हैं, अब वही हमारी रक्षा करेंगे। ये कहकर सारे जानवर सफेद शेर के पास जाते हैं। अरे क्या हुआ, तुम सब यहाँ, सब ठीक तो है ना? महाराज हमारी रक्षा कीजिए, जंगल में एक अनजान दुश्मन घुस आया है जो हमारे साथियों का शिकार कर रहा है। हाँ महाराज, अब हमारे लिए भोजन ढूंढना भी मुश्किल हो गया है। सफेद शेर ये सब सुनकर गुस्से से दहाड़ मारता है और कहता है, आखिरकार किसकी शामत आई है जो मेरी प्रजा को परेशान कर रहा है। अगर वो मेरे हाथ लग जाए तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देखो तुम सब सावधान रहना, हम जल्द ही उसे पकड़ लेंगे, तब तक तुम सब अपना ख्याल रखना। सफेद शेर के मुंह से ये सुनकर सारे जानवर राहत की सांस लेते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। दूसरी ओर सेबर दांत बाघ का आतंक जंगल में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। सफेद शेर के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। वो खुद जंगल में उसकी तलाश में घूमता है। एक दिन सेबर दांत बाघ दूर से सफेद शेर को देखता है और मन ही मन में सोचता है, अरे वाह दूध के धुले शेर, तू मुझे ढूंढते रह जाएगा पर मैं तेरे हाथ नहीं आऊंगा। मैं इस जंगल को शमशान घाट बना दूंगा, जिसे देखकर तू खून के आंसू रोएगा, तब जाकर तुझे भी खत्म कर दूंगा। बाघ अपने मन में सोच रहा था कि वहाँ एक भैंस आती है। बाघ भैंस का शिकार करता है और उसे खाने लगता है कि तभी उधर से गुजर रही हिरण सेबर दांत बाघ को देख लेती है और डर के मारे चिल्ला उठती है। बाघ हिरण को देख लेता है और वो उसका भी शिकार करने उसके पीछे जाता है। हिरण चिल्लाते हुए वहां से भागती रहती है, महाराज मेरी मदद कीजिए, सेबर दांत वाला बाघ मेरे पीछे पड़ा है। अरे हाथी बहन, लोमड़ी बहन,
कोई है, मेरी मदद करो। हिरन की आवाज सुनकर शेर पीछे मुड़ता है और वो भी उसके पीछे भागता है। पीछे भागते हुए वो उसके पास जाता है। जंगल के सारे जानवर हिरन की आवाज सुनकर इकट्ठा हो जाते हैं। सेबरदाद बाघ चारों ओर से घिर चुका था। अच्छा, तो वो तुम हो जो मेरे जंगल में मौत का तांडव मचा रहे थे। हाँ, वो मैं ही था। मैं तुम्हारे जंगल को शमशान घाट बनाना चाहता था, पर इस कमबख्त हिरन की वजह से आज मैं पकड़ा गया। अब मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। बाघ शेर पर हमला करता है। सफेद शेर बहुत ही ताकतवर था। वो एक ही वार में सेबरदाद बाघ को चित कर देता है। बाघ शेर की ताकत के सामने हार जाता है और मर जाता है। जंगल के सारे जानवर ये देखकर खुशी से झूम उठते हैं और अपने राजा का धन्यवाद करते हैं। सेबर टू टाइगर वर्सेस गोट। वो एक बहुत ही सुंदर और शांत जंगल था। जंगल के सारे जानवर बहुत ही खुश थे। उसी जंगल में एक बकरी थी जिसके बड़े बड़े सींग थे। बकरी गर्भवती थी। एक दिन हिरन, हाथी और बकरी बातें कर रहे थे कि तभी लोमड़ी वहाँ भागी भागी आती है। वो बहुत ही डरी हुई थी। ये देखकर हाथी पूछती है, अरे लोमड़ी, तुम्हें क्या हुआ? क्यों इतनी डरी हुई हो? क्या बात है? सब ठीक तो है ना? अरे हाथी बहन, क्या बताऊँ, जंगल में एक सेबरदांत वाला बाघ आया है। उसे देखकर तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मैं तुम सबको सावधान करने आई हूँ। तुम सब अपना अपना ख्याल रखना, बेवजह जंगल में मत घूमा करो। ये सुनकर सारे जानवर डर जाते हैं। तब बकरी कहती है, हे भगवान, अब हम क्या करें? मेरे तो हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे हैं। चलो हम सब अपनी अपनी गुफाओं में चले जाते हैं। अरे बकरी, तुम अपना ख्याल रखना, वैसे आज या कल तुम्हारा बच्चा आने वाला है। हाँ, समय समय पर तुम्हारा हाल जानते रहेंगे हम सब। यू सारे जानवर अपने अपने घर चले जाते हैं। इधर सेबरदांत बाघ जंगल में तबाही मचा रहा था। वो कई सारे जानवरों का शिकार कर देता है। सेबरदांत वाला बाघ अपने मन में सोचता है, ये जंगल तो जानवरों से भरा पड़ा है, मुझे शिकार करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आज से मैं ही इस जंगल का राजा हूँ। मुझसे बड़ा ताकतवर और कोई है भी नहीं। दूसरी ओर जानवर अपनी अपनी गुफाओं में भूख और प्यास के मारे तड़प रहे थे। वो भोजन ढूंढने भी नहीं जा पा रहे थे। एक दिन हाथी चुपके से हिरन के पास जाती है और कहती है, अरे हिरन, कैसी हो? क्या तुम भोजन ढूंढने जा रही हो? कैसी बातें कर रही हो दोस्त? जंगल में सेबरदांत बाघ घूम रहा है। अगर मैं भोजन ढूंढने जाऊंगी तो मेरे भोजन को छोड़ो, मैं खुद उस बाघ का भोजन बन जाऊंगी। हाँ, सही कहा तुमने, पर सोचो जरा, हमारा हाल ऐसा है तो बकरी का हाल कैसा होगा? ऊपर से वो गर्भवती है, पता नहीं बेचारी क्या खा रही होंगी। हाँ, मुझे भी उसी की चिंता खाई जा रही है, पर हम क्या करें? चलो हम दोनों मिलकर उसके पास जाते हैं। अरे अरे, पर वो बाघ आ गया तो? कि इतने में वहाँ कौवा आता है और कहता है, चिंता ना करो, मैं आसमान में उड़ते हुए रास्ते पर नजर रखूंगा। अगर कोई खतरा नजर आए तो मैं तुम दोनों को आगाह कर दूंगा। यूं वो बकरी के पास जाते हैं। बकरी एक बच्चे को जन्म दे चुकी थी। ये देख हाथी और हिरन बहुत ही खुश हो जाते हैं। तब हाथी कहती है, अरे वाह, कितना प्यारा बच्चा है। हाथी बहन, मेरा बच्चा भूखा है, मुझे भोजन ढूंढने जाना होगा उसके लिए। हमें भी तो बहुत भूख लगी है। चलो हम कौवे की मदद से भोजन ढूंढते हैं और जल्दी वापस आ जाते हैं। देखो बेटा, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी, तुम अपना ख्याल रखना और हाँ, गुफा से बाहर मत आना। ये कहकर हाथी, हिरन, बकरी भोजन ढूंढने जाते हैं। इधर गुफा में बकरी का बच्चा अकेला था। बकरी को वापस आने में देर हो जाती है। बकरी का बच्चा डर के मारे अपनी माँ को ढूंढते हुए गुफा से बाहर निकल जाता है। जंगल उस बच्चे के लिए एकदम नया था।
उसे किधर जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि तभी सेबर दाद बाघ उस बच्चे के सामने आ जाता है। बच्चा बाघ को देखकर डर जाता है और रोते हुए अपनी माँ को पुकारने लगता है। बाघ बकरी के बच्चे को देख लेता है और कहता है, अरे वाह, बकरी का बच्चा, इसका मांस तो एकदम मुलायम होगा, इसे खाकर तो बड़ा ही मजा आएगा। इस दौरान हाथी, हिरन, बकरी वहां आ जाते हैं। बकरी अपने बच्चे पर आए मुसीबत को देखकर डर जाती है। अरे मेरा बच्चा, कोई मेरे बच्चे को बचाओ प्लीज। सब डरे हुए थे, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। जैसे ही बाघ बकरी के बच्चे पर वार करने वाला था कि बकरी अपने सिंग से बाघ पर टूट पड़ती है। एक पल के लिए बाघ को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हुआ है। फिर बाघ बकरी को देखकर कहता है, एक साथ माँ और बच्चे दोनों का शिकार करूंगा, बड़ा मजा आएगा। देखो बाघ, तुम मुझे खा लो पर मेरे बच्चे को छोड़ दो। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, तुम दोनों को खा जाऊंगा। मेरे जीते जी तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये कहकर बकरी अपने सिंग से बाघ पर टूट पड़ती है। बकरी बाघ के दोनों दांत तोड़ देती है। बकरी की हिम्मत को देखकर बाकी के जानवरों को भी हिम्मत आ जाती है और वो सब मिलकर बकरी का साथ देते हैं और बाघ पर हमला करते हैं और उसे मार डालते हैं। अरे वाह बकरी, आज तुमने ये साबित कर दिया कि जब एक माँ अपने बच्चे को मुसीबत में देखती है तो वो एक भूखी शेरनी बन जाती है। फिर सारे जानवर उस जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं।